बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी आलाकमान ने 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्व सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा को पहली सूची में प्रत्याशी बनाया है। देखिए कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा। एमपी के टिकट का इंतजार हुआ खत्म, बीजेपी ने जारी की पहली सूची। पूर्व सीएम शिवराज विदिशा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से मिला टिकट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर खजुराहो से मौका। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट का इंतजार आखिर खत्म हो गया। तमाम मंथन और राय शुमारी के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने एमपी की 29 में से 24 सीटों पर ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया है, यानी साफ है कि शिवराज अब केंद्र की राजनीति में एंट्री करेंगे और टीम मोदी का अहम हिस्सा रहेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी परंपरागत गुना सीट से टिकट दिया गया है। 2019 के सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उन्हें केपी यादव ने हराया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी आलाकमान ने केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक बार फिर खजुराहो लोकसभा सीट से मौका दिया है। खजुराहो में इस बार बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। वहीं बीजेपी ने 5 सीटों छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कहा जा रहा है यहां बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।